संघ की तरफ से बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ है, इसके तमाम वर्कर, तमाम कार्यकर्ता और इनके आह्वान पर बहुत सारे यूथ रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि हम सभी को पता भी है कि बरेली और आसपास जबरदस्त बुखार का प्रकोप है, करीब 150 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। आए दिन लोग ब्लड लेने के लिए आईएमए हाल पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्लड का टोटा महसूस होने लगा है। ऐसी स्थिति में डिप्लोमा महासंघ ने एक कड़ा फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया, स्वागत योग्य फैसला लिया और उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। हम आपको रक्तदाताओं से बात भी करवाएंगे कि आखिर उनको कैसा महसूस हो रहा है खून देने के बाद और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के लिए। आज क्या आयोजन है आपका? ये हम लोग हमारे जो महासंघ के संस्थापक रहे इंजीनियर आर के दत्ता जी और इंजीनियर विश्वेश्वर अय्या जी, जिनकी याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, इस उपलक्ष्य में हम लोग विशाल रक्तदान शिविर का हमने आयोजन किया है। और इस शिविर में हमारा 250 से ज़्यादा यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य है, जो बरेली का अपना एक रिकॉर्ड होगा। बरेली में इससे पहले किसी एक रक्तदान शिविर में इतने यूनिट कभी डोनेट नहीं हुए। क्या नाम आपका? मैं विवेक शर्मा, मैं जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का। क्या कहना चाहेंगी रक्तदान को लेकर, यूथ के लिए मैसेज देना चाहेंगी? देना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम दे रही हैं क्या? सेकंड टाइम दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी मैंने यही कर लिया था, पहली बार। पहली बार आपने ब्लड डोनेट किया, डर नहीं लगा था आपको? इसमें डर क्या, मुझे डर नहीं लगता। कितनी बार इससे पहले के पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? पहली बार टू टाइम कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? जी कुश वर्मा, नूर कुश वर्मा, कुश वर्मा। कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत? आरिफ अमीन। क्या पहली मरतबा कर रहे हैं? जी हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? भूपेंद्र। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या पहली बार दे रहे हैं? बार देते हैं। विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, क्या पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं सर, आज चौथी या पांचवी बार है मेरा। कैसा लग रहा है आपको? एज यूजुअल बहुत अच्छा, पहले की से और ज़्यादा अच्छा, और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए? खासतौर यूथ के लिए यही है कि सभी मिलकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और किसी की जान बच सकती है आपके रक्त से, और अपने आप को स्वस्थ रखें, दूसरे को भी स्वस्थ। क्या नाम है साहब का? उदित प्रकाश सिंह जी। उदित प्रकाश सिंह। उदित, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या पहली बार कर रहे हैं? सेकंड टाइम। क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए, खास तौर से मैसेज देना चाहेंगे? हर किसी को रक्तदान समय पे करना चाहिए, अपने टाइम टू टाइम से, अच्छा भी रहता है और सबको मिलता भी रहेगा प्रॉपर।
कर दिया हमारे डॉक्टर बारोल जी। अभी 79 लोगों के 79। कब तक चलेगा कैंप? गाँव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।